आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी में सियासत हर दिन कोई ना कोई बदलाव ले रही है और रोज नए नए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। सियासी दिग्गजों की जुबानी जंग चुनावी तकरार को बहुत ज्यादा गर्मा रही है। जुबानी जंग से लेकर ट्विटर वॉर तक क्या रहा खास, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासत इस वक्त चरम पर आ चुकी है। कुछ वक्त में चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी सियासी दल अपने तरकश के सभी तीरों का इस्तेमाल कर विपक्षियों को धराशाही करने की कवायद में लगे हुए हैं। चुनावी जंग से लेकर ट्विटर वॉर तक सभी मोर्चों पर सियासी दिग्गज एक्टिव मोड में हैं। बात करें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की, तो इस वक्त भाजपा के सभी दिग्गज चेहरे यूपी की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार डोर टू डोर प्रचार के जरिए यूपी में भाजपा की लहर को बरकरार बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यमों और जनसभाओं के जरिए सरकार के कामों को जनता के सामने रख फर्क को दिखा रहे हैं। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी भाजपा का काट ढूंढने की जुगत में है। खुद को सोशल मीडिया पर कम आंकने वाले अखिलेश यादव भी अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर के जरिए अखिलेश यादव विपक्षियों पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल शनिवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, कानून का राज यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। इसके बाद रविवार सुबह अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी, अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट मिल चुका है। इससे पहले गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने यूपी के विकास का रास्ता रोक दिया है, इसलिए जनता ने बीजेपी के सफाया करने का मन बना लिया है। ये चुनाव किसानों और मजदूरों का चुनाव है। यूपी चुनाव के बाद गुजरात में चुनाव होंगे और असली सरप्राइज वही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी गुजरात से हारने को तैयार है। जो किसानों की आय दोगुनी की बात किए थे, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, न गन्ने का भुगतान हुआ और गरीबों को, किसानों को मजबूर कर दिया कि वो राशन पे अपना जीवन यापन करें। बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, बताइए 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने। किसी के घर में नौकरी रोजगार नहीं। किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। वही गृह मंत्री पर भी तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस घर का दरवाजा अमित शाह बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में वो जाएं, तो उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वे सरकार में आए थे उस समय सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज क्या है। बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है। वहीं मुरादाबाद में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने लोगों को मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला दी। सीएम योगी ने कहा, राम भक्तों के खून से जब टोपी रंगी हो, वो आज शांति सौहार्द की बातें कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसी सपा ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो कैराना से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार थे, वो भी मैदान में है जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे करवाए थे। जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हो और राम भक्तों पर जिन्होंने निर्ममता से गोली चलाई है, क्या वे लोग जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में दंगा कितने महीनों तक चलता रहा और सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान वहां मारे गए थे, वो
उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने तो केवल एक बात कही थी कि भाई देखो हमारी बहन स्कूल जाती है, क्यों उसको परेशान करते हो। बहन की रक्षा के लिए, बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे दो नौजवान गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई। और लखनऊ से फोन आकर के उन गुंडों को, हत्यारों को छुड़ा दिया जाता है। उन दोनों जवानों के लिए न्याय मांगने के लिए जब कोई सभा होती है, चौधरियों की सभा होती है, उस चौधरियों की सभा में जाने वाले किसानों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। महीनों तक दंगा हुआ, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, और राम भक्तों की, निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे हैं जैसे, यानी इन लोगों को बोलने में तनिक भी संकोच नहीं होता। और ये लोग तब आ रहे हैं जब चुनाव में इन लोगों ने उन्हीं दागी लोगों को फिर से प्रत्याशी बनाया है, केराना के व्यापारियों के प्लान के लिए जो जिम्मेदार थे, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जो जिम्मेदार थे। बहरहाल यूपी के चुनाव की वजह से सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है और राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का कैंपेन भी लगातार जारी है। इस चुनावी घमासान में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी पार्टी जनता के बीच अपनी पैठ बना पाती है और जनता का विश्वास जीत कर कामयाब हो पाती है। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। और प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।